रेड लाओ खाली नीतू एक क्रेडिट कार्ड 700 रुपए खाली कराओ पलटी कर भाई टमाटर नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है सोलन सब्जी मंडी से। इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन सब्जी मंडी की देख रहे हैं और मंडी में टमाटर बड़ी मात्रा में पहुंचा हुआ है। अहमदाबाद का टमाटर है, वीरांग यह बीज है और काफ़ी शानदार टमाटर है, देखने में भी अच्छा लग रहा है और जो डिमांड है इस टमाटर की वो भी अच्छी इस वक्त दिखाई दे रही है। यही वजह है कि टमाटर में तेजी देखने को मिली है। हालांकि सोलन सब्जी मंडी में आज टमाटर 700 रुपये प्रति क्रेट ही बिक रहा है और कल भी इसी तरह का भाव था, लेकिन यहाँ पर व्यापारियों की माने तो टमाटर के भाव में अब तेजी होनी शुरू हो चुकी है। चंडीगढ़ में टमाटर महंगा हो गया है और 800 रुपये प्रति क्रेट के हिसाब से वहाँ पर टमाटर बिक रहा है, तो उसकी तुलना में अभी सोलन में 100 रुपये क्रेट के हिसाब से टमाटर बिक रहा है और हो सकता है कि कल जब डबल मंडी लगेगी तो टमाटर के भाव में तेजी देखने को मिल सकती है। सोलन सब्जी मंडी की इस वक्त हम आपको सुबह सुबह के वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं। बड़ी मात्रा में सब्जियों की आपूर्ति ये सोलन मंडी में आज हुई है और बड़ी संख्या में खरीदार और किसान भी यहां पर अपनी सब्जियां लेकर पहुंचे हुए हैं और सोलन सब्जी मंडी में आज मटर के भाव में कोई बड़ा फेरबदल देखने को नहीं मिला है और ना ही गोभी के भाव में कोई फेरबदल हुआ है। जिस तरह के भाव कल थे आज भी उसी तरह के बने हुए हैं। टमाटर के रेट में भी कोई परिवर्तन आज देखने को नहीं मिला है। कल भी 700 रुपये प्रति क्रेट के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में टमाटर बिक रहा था, तो आज भी 700 रुपये प्रति क्रेट के हिसाब से ही टमाटर बिक रहा है, लेकिन टमाटर की जो क्वालिटी है काफ़ी शानदार है। नई खेप टमाटर की मंडी में आज पहुंची हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में टमाटर के भाव में और तेज़ी देखने को मिल सकती है। मंडी में तस्वीरें आप देखें कि बड़ी मात्रा में टमाटर है, टमाटर का कोई संकट यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। टमाटर अहमदाबाद से मंडी में पहुंच रहा है। लोकल टमाटर के लिए अभी 1 से 1.5 महीना और इंतज़ार करना पड़ेगा। बाद में जब लोकल टमाटर पे चलेगा तो मंडी में बड़ी मात्रा में लोकल टमाटर की आपूर्ति होगी और हिमाचल प्रदेश का टमाटर सोलन सब्जी मंडी में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर की मंडियों में दिखाई देगा, क्योंकि हिमाचल के टमाटर की डिमांड काफ़ी अधिक रहती है और यही वजह रहती है कि किसानों को भाव भी अच्छे मिलते हैं। पिछली बार गर्मियों में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली थी और इस बार लग रहा है कि गर्मियों में के सीजन में टमाटर के भाव तेज़ रहेंगे, इस तरह की संभावना अब बनी हुई है। सोलन सब्जी मंडी में 700 रुपये प्रति क्रेट के हिसाब से उस वक्त टमाटर आजकल बिक रहा है, क्योंकि आजकल के दिनों में आमतौर पर टमाटर 400 से 500 रुपये प्रति क्रेट बिक रहा था। सब्जी की बात करें तो मटर की बोरियां आप देख रहे हैं, बड़ी मात्रा में मटर की आपूर्ति हो रही है और धीरे धीरे मटर करसोग का भी सोलन सब्जी मंडी में पहुंचना शुरू हो रहा है, लेकिन अभी सोलन और आसपास के क्षेत्रों से ही और जिला सिरमौर से टमाटर सोलन सब्जी मंडी में आ रहा है। गाजर मंडी में आज 14 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकी है, जबकि मटर आज मंडी में 42 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिके हैं। गोभी में तेजी है, गोभी लोकल जहां 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है, वहीं देसी गोभी मंडी में आज 35 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। बंद गोभी आज मंडी में 14 रुपये प्रति किलो है और बंद गोभी के अलावा भिंडी और भिंडी 70 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में आज बिक रही है। सोलन सब्जी मंडी में भिंडी में तेजी है, 70 रुपये प्रति किलो के हिसाब से भिंडी मंडी में आज बिक रही है। अहमदाबाद की भिंडी मंडी में पहुंची है और काका भाई से जानेंगे कि आज सब्जियों के क्या भाव चले हैं, टमाटर किस भाव सोलन सब्जी मंडी में आज बिक रहा है। जय श्री श्याम जी। काका भाई, अहमदाबाद का टमाटर बड़ी मात्रा में पहुंचा है, 700 रुपये ग्रेड बिक रहा है जी, बहुत बढ़िया टमाटर है ये अहमदाबाद का। कौन सा बीज बताया था? वीरांग बीज जी। और मटर 42 रुपए किलो, कुठार का मटर आया था जी, कुठार, हाँ जी, 51 कट्टे का लाडा है, 42 रुपए किलो बिका। अच्छा, जिसमें जिम्मेदार थे अच्छा अष्टी जी,
और केबी थे, एएस थे, रवि जी थे, कई थे जी। हाँ जी, इसके अलावा अन्य सब्जी गाजरें 14 रुपए बिक रही है जी, मूली 13 रुपए जी, बंद गोभी 14 रुपए किलो, फूल गोभी 30 रुपए लोकल बिकी है, चंडीगढ़ वाली 35 रुपए बिकी है जी, और प्याज 24 रुपए, आलू 14 और 13 रुपए जी, बीन्स 60 रुपए जी, शिमला मिर्च 50 और 60, किन्नू बिक रहा है जी 450 से 600 रुपए जी, ठीक है, अंगूर 700 रुपए जी, सेब जो है 140 से 160 रुपए रॉयल। अच्छा, हाँ जी, गोल्डन बिक रहा है किन्नौर वाला 150। अच्छा, और शिमला वाला गोल्डन बिक रहा 50 रुपए, सिर्फ 50, और मशरूम 100 रुपए और डब्बी वाली 125, भिंडी जी 60 और 70 रुपए किलो। अच्छा, और अदरक 120 130। अच्छा, और आपका पालक सस्ती हुई है, 10 रुपए गुच्छी पालक हो गई है, जो 20 रुपए बिक रही थी अब 10 रुपए हो गई है, और आपका रह गया कद्दू 30 रुपए जी, घिया 30 रुपए, लहसुन 150 रुपए जी, केला 380 और 400, ये रेट बिक रहा है। ठीक है, और 42 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मटर सोलन सब्जी मंडी में आज बिक रहा है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत है सोलन सब्जी मंडी से। इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तस्वीरें सोलन सब्जी मंडी की हम आपको दिखा रहे हैं, मंडी में सब्जियों के किस तरह के भाव चले हैं उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मंडी में आज सब्जियों की बात करें तो सब्जियों के रेट में कोई बड़ा परिवर्तन आज देखने को नहीं मिला है, कल डबल मंडी लगेगी तो उसमें हो सकता है कि मंडी में सब्जियों के रेट में कोई बड़ा फेरबदल देखने को मिले। यदि हम बात करें टमाटर की तो टमाटर आज मंडी में 700 रुपये प्रति क्रेट के हिसाब से बिक रहा है, और टमाटर के अलावा भिंडी में कोई भिंडी में तेजी है, 70 रुपये प्रति किलो के हिसाब से भिंडी आज मंडी में बिक रही है, क्योंकि सब्जियों में के रेट में उतार चढ़ाव और फेरबदल एकदम यहां पर हो जाता है, कई बार सब्जियों के भाव डाउन हो जाते हैं और जैसे ही सब्जियों की डिमांड बढ़ जाती है तो महंगे भी हो जाते हैं। लेकिन लोकल गोभी 30 रुपये हैं और बारी गोभी 35 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, मटर हमने बताया 42 रुपये हैं, और बंद गोभी 14 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में बिक रही, गाजर का भी 14 रुपये प्रति किलो के हिसाब से इस वक्त भाव चला हुआ है, शिमला मिर्च मंडी में 65 से 70 रुपये के बीच में बिक रही है, अदरक आज 120 से 130 रुपये के बीच में है, और बैंगन 30 से 35 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है, और भिंडी आज 70 रुपये प्रति किलो है, करेला 65 से 70 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में बिक रहा है, फ्रांस बीन 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है, घिया 35 रुपये है, और कद्दू आज मंडी में, करसों का मटर भी अभी आज मंडी में अभी पहुंचा नहीं है, लेकिन जो यहां के लोकल मटर आज अभी मंडी में आया है वो 42 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है, करसों का मटर हो सकता है कि 50 रुपये तक बिके, और क्योंकि 8 बजे के बाद फिर बोलियाँ लगेगी, जब मटर की एक खेप पहुंचेगी तभी पता लग पाएगा कि करसों का मटर किस भाव आज मंडी में बिका है। लेकिन कद्दू आज 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है, हरी मिर्चों में तेजी है, 65 से 70 रुपये मंडी में बिक रही है, और खीरा मंडी में आज बिक रहा है 30 रुपये प्रति किलो, और धनिया मंडी में आज 10 रुपये हैं, पालक की गुच्छी भी 10 रुपये है, और इसके अलावा खीरा मंडी में 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है, गाजर हमने आपको बताई है कि गाजर के क्या रेट चले हुए हैं 14 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। तो सोलन सब्जी मंडी की हम आपको तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं, और टमाटर में तेजी है, टमाटर 700 रुपये प्रति क्रेट के हिसाब से बिक रहा है, और यहाँ जानकारों की मांग माने तो टमाटर के भाव में और तेजी होने की संभावना है, 800 रुपये तक हो सकता है कि कल टमाटर की क्रेट बिके, तो उसकी वजह यह बताई जा रही है कि चंडीगढ़ में टमाटर में तेजी है, 800 रुपये प्रति क्रेट के हिसाब से वहाँ पर टमाटर बिक रहा है। हरी मिर्च आप देख रहे हैं कि तेजी हरी मिर्च में ज़बरदस्त है, 65 से 70 रुपये के बीच में सोलन सब्जी मंडी में हरी मिर्च इस वक्त बिक रही है, तो कुल मिलाकर सब्जियों में आजकल तेजी है, और मूली मंडी में आज 14 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, और हरा प्याज मंडी में आज 15 रुपये प्रति गुच्छी के हिसाब से बिक रहा है, चुकंदर भी 15 से 20 रुपये के बीच में सोलन सब्जी मंडी में, और
लहसुन 150 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मंडी में आज बिक रहा है, जबकि कटहल मंडी में 65 रुपये प्रति किलो इस वक्त बिक रहा है। तो कुल मिलाकर मंडी में सब्जियां यही है और सब्जियों के हमने आपको भाव बता दिए हैं और सब्जियों में तेजी है, कहीं जाइएगा नहीं। फ्रूट के भी रेट हम आपको बताएंगे कि किस भाव सोलन सब्जी मंडी में आज फल बिक रहे हैं, और फलों में भी तेजी है और सब्जियों में भी तेजी देखने को मिल रही है। किसानों को कुल मिलाकर अभी गर्मियों के सीजन से पहले सब्जियों के बढ़िया रेट मिलने शुरू हो गए हैं और यह शुभ संकेत है आने वाले समय के लिए कि जब टमाटर मंडी में आएगा तो इस बार गर्मियों के सीजन में भी टमाटर में तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि बरसात के सीजन में किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। गर्मियों में ऐसा नहीं होगा, ऐसी संभावनाएं लग रही है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल बस इतना ही, देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। इस लाइव स्ट्रीम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसानों तक सोलन सब्जी मंडी की के भाव पहुँच सके। यूवी ठाकुर जी, प्रेम चौहान जी, रणजीत सिरमौरी जी, राजेंद्र राज जी, दीपक ठाकुर जी, संजय कुमार दुरेजा जी और दीपक ठाकुर जी, रेणु कुरियन जी तो हमारे साथ सोलन से जुड़ी है, दीपक शर्मा जी, बंसी लाल जी, संजय कुमार दुरेजा जी, चमन ठाकुर जी, नींदू चंदेल जी, सुनील ठाकुर, दिलीप सिंह, देशराज जी, राजीव सैनी जी, संजय कुमार दुरेजा जी, रणजी सानवाल का हम स्वागत करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं, आपका आभार।